तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20 दिन से जारी है, मगर मंडियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल जो धान की फसल है वह सरकार के तय किए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के मुकाबले काफी कम दामों पर किसानों से खरीदी जा रही है। कृषि मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल यानी कि AgMarkNet पर मौजूद रोज के आंकड़ों के अनुसार व्यापारियों ने धान को सबसे कम 1150 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदा है, जबकि आम धान के लिए एक क्विंटल का तय MSP 1868 रुपए है। यह आंकड़े 15 राज्यों की 292 अनाज मंडियों के हैं। वह बड़े राज्य जहां धान की फसल का एक बड़ा हिस्सा MSP से कम दामों में बिका है उनमें है उत्तर प्रदेश जहां 47% फसल MSP से नीचे बिकी है, गुजरात जहां 83%, कर्नाटक जहां 63% और तेलंगाना जहां 60% धान की फसल तय MSP से कम दाम पर बिकी है। छत्तीसगढ़ पिछले दशक में एक बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वहां के आंकड़ों के अनुसार 4.4 लाख टन का धान MSP से कम दाम पर बिका है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा है। मध्य प्रदेश में 11% फसल MSP से कम दाम पर बिकी। गिरती कीमतों की वजह, सबसे अहम वजह यह सामने आते हैं कि किसानों के मन में एक अनिश्चितता और डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि MSP का सिस्टम और सरकार द्वारा खरीद अब खत्म होने वाली है और नए कानूनों से दाम और भी गिर जाएंगे। कई राज्यों से आ रही खबरों से पता चल रहा है कि APMC मंडियां या तो बंद हो रही हैं या उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की उदाहरण लेते हैं। न्यूज क्लिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहती है कि राज्य की 269 मंडियों में से अक्टूबर के महीने में 47 में कोई व्यापार नहीं हुआ, जबकि 143 में जून से अक्टूबर के दौरान व्यापार में 50-60% तक की गिरावट देखी गई। यह नए कृषि कानूनों की वजह से हो रहा है। यह कानून एक साल जून में पहले तो ऑर्डिनेंस की तरफ लाए गए थे और फिर सितंबर में सांसद में पारित किए गए। APMC संबंधित कानून में यह कहा गया है कि कोई भी व्यापारी उत्पाद मंडियों से बाहर किसानों से उस दाम पर खरीद सकते हैं जो उन्होंने पहले तय किया था। यहां तक कि यह कानून सरकारी APMC मंडियों के साथ प्राइवेट मंडियों के बनने का भी प्रस्ताव रखता है, जो व्यापारी के लिए व्यापारी के द्वारा ही चलाई जाएगी। इससे यह डर पैदा हुआ कि APMC को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारियों को बाहर व्यापार करने का कोई टैक्स नहीं देना होगा और वह किसानों को शुरू में बेहतर कीमत से लुभाने का काम कर सकते हैं या फार्म गेट से फसल उठाने का लालच दे सकते हैं, जिससे कि सरकारी खरीद एकदम बंद हो जाएगी। इस तरीके से तो यह जाहिर हो रहा है कि नए कानून यही सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए और किसानों को कम कीमत पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा।